रोहतास में डेहरी विधानसभा अंतर्गत भेड़िया गांव में 13,78,000 की लागत से निर्मित पीसीसी सड़क का उद्घाटन स्थानीय विधायक इंजीनियर सत्यनारायण सिंह यादव ने किया। यह पीसीसी सड़क का निर्माण विधायक के ऐच्छिक निधि से कराया गया है। इस मौके पर जेडीयू नेता विकास कुमार सिंह सहित कई भाजपा नेता भी मौजूद थे। इस मौके पर विधायक सत्यनारायण यादव ने कहा कि ऐच्छिक निधि से डेहरी विधानसभा के प्रत्येक गांव में कुछ न कुछ निधि देकर विकास की गति को तेज किया गया है। सरकार की नियत स्पष्ट है कि बिहार को विकसित राज्य बनाना है, इसलिए प्रदेश के विकास की गति को रफ्तार देने के लिए सड़कों का नव निर्माण अति आवश्यक है। विधायक ने यह भी कहा कि अभी तो यह झांकी है, बहुत कुछ बाकी है। कहा कि भेड़िया गांव के सड़क का निर्माण कुछ दिनों बाद RWD द्वारा कराया जाएगा, क्योंकि सड़क पर आवागमन भारी वाहनों का ज्यादा है। इस मौके पर सरपंच विनोद कुमार सिंह, पूर्व अध्यक्ष शंभू राम, प्रखंड अध्यक्ष अजय ओझा, प्यारे लाल ओझा सहित कई लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आपन बिहार। अभी तो झांकी है, बहुत अभी बाकी है। डेली रोडों का उद्घाटन 29 RWD से PWD अलग है और सभी लगातार डेली उद्घाटन का कार्य, बल्कि इतना ही नहीं, ये तो अपने ऐच्छिक निधि से यहाँ किया है, बल्कि RWD से भेड़िया गांव के अंदर तक जोड़ने का काम और मेरे ही एक साल के कार्यकाल में वो भी होगा। ये तो ऐच्छिक निधि से, क्योंकि यहाँ के गांवों से मुझे ज्यादा लगाव था और हर गांव में लगातार हमने देने का काम किया है। ये ऐच्छिक निधि है और RWD से भी एस्टिमेट बनवा दिया है, जिसे अरविंद जी ने कह रहे थे, बल्कि भेड़िया हो, सखरा हो, चाहे अगल बगल मान लिया सनात बीघा हो, अगल जितने गांव हैं सबको RWD से रोड से जोड़ने का काम, और जहां अगर उससे नहीं है तो अपने ऐच्छिक निधि से। तो ऐच्छिक निधि समाज के सभी वर्गों को देने का हमने काम, उसी का आज ये दिन है। डिहरी के लोगों को तो बहुत कुछ देना है और लगातार देने का काम कर रहे हैं, चाहे जो भी समस्या है उसी का निदान है। जो चीज यहाँ नहीं था, अभी आपका नगर भवन कल ही गए थे, जर्जर था, उसको ट्रांसफर कराने का काम नगर परिषद को, कि सुंदर एसी हॉल बने।